हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही नेकलेस सेट के ऊपर आ गई है, जिसमें इयररिंग है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हैं इसको बनवाने में, ये थोड़ा सा मजबूत में ही है और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बनवा सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन है ये रोडियम विथ है, मीन्स की 22 कैरेट में है और रोडियम विथ है। तो रोडियम का जो मेकिंग चार्ज होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, कहीं कहीं कम कहीं कहीं पे ज़्यादा होता है, तो मेकिंग चार्ज इसमें इंक्लूडेड है। देन रोडियम का डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप थोड़े से डिज़ाइन में अप डाउन भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा सेट है, 47,000 का है। गाइस आप इसको कम ग्राम में भी बनवा सकते हैं, थोड़ा सा लाइट वेट में बनवा सकते हैं, फिर भी ये बहुत लाइट वेट है आज के रेट के हिसाब से है। मीन्स कि अभी जो गोल्ड 24 कैरेट का दाम जो 53 के अराउंड चल रहा है गाइस, तो इसमें आप डायमंड भी बनवा सकते हैं और गोल्ड भी, बट यहाँ पे रोडियम इंक्लूडेड है, रोडियम के साथ बनाया है, तो डायमंड बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया था। प्लीज़ गाइज, आप लोग ये वीडियो को देखते हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, तो आपको मेरे नए नए वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू इस चीज़ के लिए। ये डिज़ाइन देख सकते हैं आप, इसको डायमंड में भी बनवा सकते हैं एंड रोडियम में भी। दूसरी चीज़ है कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मुझे कमेंट आए थे इंस्टाग्राम पे भी कि मैम अगर हम पुराने गोल्ड को बेच के नया ज्वेलरी ख़रीदना चाहें तो क्या सही होगा। तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं सही होगा। आपको इन्फॉर्मेशन मैं लाने वाली हूँ। कभी भी आप पुराने गोल्ड को सेल करके न्यू मत खरीदिए, क्योंकि आप लॉस में ही जाएंगे। कितना भी वो ज्वेलर शॉप बोलेगा कि नहीं भाई आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतना ही लेस हो रहा है, नहीं, जब भी हम खरीदते हैं तो मेकिंग चार्ज प्लस इंक्लूड होता है, देन उसमें GST भी रहता है, देन उनका कैसा क्या क्राइटेरिया रहता है तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आप कितना भी करेंगे आपका लॉस ही जाने वाला है। तो गाइस प्लीज़ आप पुराने जो गोल्ड को सेल मत करिए। मैं बताऊंगी कैसे आपको उस पुराने गोल्ड से कैश लेना है, देन उसके बाद आपको परचेज करना है, इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू गाइस, आपने बहुत सारा प्यार दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ज़रूर बनवाइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।